खान को रोकने वाले जवान को सजा नहीं मिला इनाम। इस वायरल खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो में सिक्योरिटी चेक के लिए एंट्री गेट पर CISF का एक अधिकारी सलमान खान को रोकता है। सलमान खान दनादन एयरपोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इस अधिकारी ने न सिर्फ सलमान खान को रोका बल्कि जांच भी की। इस अधिकारी का नाम है सोमनाथ मोहंती। पिछले दिनों ये खबरें खूब वायरल हुई थी कि मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान को रोकने वाले इस जवान का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। सोमनाथ मोहंती पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगने की बात भी सामने आई थी। कहा गया कि अधिकारियों ने CRPF जवान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और मीडिया से बात करने की वजह से उन्हें चेतावनी दी गई है, लेकिन ये सारी बातें सरासर गलत साबित हुई। खुद CISF की ओर से ये साफ किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। CISF की ओर से एक न्यूज पोर्टल की खबर के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया गया और लिखा गया कि स्ट्रीट में बताया गया कंटेंट बिल्कुल गलत है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। असल में मामले से जुड़े अधिकारी को कर्तव्य के निर्वहन में प्रोफेशनल रवैया रखने के लिए उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है। CISF के आधिकारिक हैंडल से किया गया ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर यूजर्स इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल आपको सोशल मीडिया पर सलमान खान के उस वीडियो की भी पूरी क्लिप देख लेनी चाहिए, जिसमें दबंग खान अपनी आलीशान गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ते हैं। वो एयरपोर्ट पर एंट्री लेने ही जा रहे होते हैं कि एक CISF का जवान सलमान को रोक लेता है। सलमान तुरंत समझ जाते हैं कि ये सिक्योरिटी चेक है और अपना मास्क हटाकर सिक्योरिटी चेक के पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। सलमान सर, सलमान भाई, सलमान भाई, भाई खाली थोड़ा सा, खाली 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 जल्दी, बस 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 भाई थोड़ा पीछे, भाई का किधर है दबंग खान का ये अंदाज भी सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आया था। बेहिसाब लोगों ने कमेंट सेक्शन में CRPF के उस जवान और उसके द्वारा अपनी ड्यूटी बिना भेदभाव करने की तारीफें की थी। और अब उस वायरल खबर की भी सच्चाई सामने आ गई, जिसमें कहा जा रहा था कि इस जवान को सजा मिली है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।